अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। लिए चलते हैं आपको सिंध के शहर डहर की। सिंध हुकूमत बदली, साई सरकार बदला, लेकिन तहसीलदारों का आवाम से रवैया ना बदला। डहर की लखजो गोट अलावसायो मेहर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर गवर्नमेंट मुलाजिम मोहम्मद मुराद मेहर, मोहम्मद जाम मेहर, अब्दुल हमीद मेहर की गुंडागर्दी। तफसीलात के मुताबिक गोट अल्लाह वसायो मेहर की प्राइमरी स्कूल के गवर्नमेंट मुलाजिम मोहम्मद मुराद मेहर ने 60 साल से चलता हुआ सरकारी रास्ता बंद कर दिया। रास्ता जो कि गोट सोनो मंगरियो ब्लॉक नंबर 28 चौकड़ी 3.2 को मिलाने वाली कच्ची रोड पर, जो कि तकरीबन 8 एकड़ जमीन में 12 फुट का रास्ता बनता है, गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके गंदम की फसल काश्त कर ली, जिस पर अहले इलाका ने मुतल्लिका इदारों को बार बार दरख्वास्त दी कि आम दरख्त के लिए आने जाने वाले रास्ते को वागुजार कराया जाए, लेकिन ताहम इस पर अब तक कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। याद रहे कि मुराद मेहर सियासी असर और रसूख का बंदा है, जिस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, सिर्फ कार्रवाई कागजों की हद तक महदूद हो जाती है। जबकि इस सिलसिले में दरखास्त तहसीलदार अशरफ पताफी DCO मीरपुर माथेलो को भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। अहले इलाका की अलावरायो मंगरियो, नबी बख्श मंगरियो, मोहम्मद आलम मंगरियो, दिलबर मंगरियो, गोश्त शौकत अली मंगरियो ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, DC मीरपुर खास माथेलो उस्मान अब्दुल्ला सी, LP के सरकारी आबादी बोर्ड सोनो मंगरियो को मिलाने वाली वाहिद रोड वागुजार कराया जाए ताकि अहले इलाका की परेशानी में कमी आ सके।